यहां पर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 50। अभी बताया गया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इसकी इसके जीरो कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, यहीं पर आपको देखना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का पांचवा सवाल, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल के कई सारी चीजें पढ़ ली हैं, कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो जिन्होंने अभी नहीं देखा है उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। अभी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके क्लासेस होंगी वो आपको नोटिफिकेशन उसकी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी, सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी चैप्टर अगर खत्म होता है तो उसके बाद आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें कि आपको आने वाले एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं क्लास पर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। अभी इंटरेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सवाल गलत करते हैं, है तो छोटी सी बट मैक्सिमम बच्चे इसको गलती करते हैं। फिर पहले हम इसको पढ़ते हैं क्या इसमें करना है आपको, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल का आपका दिया गया है इसका जीरोज निकालना है, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो यानी कि वही फिर आपको करना है कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है वो है वेरीफाई, जो रिलेशन है आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 15। अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ था कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ था, और एक सवाल आपको ऐसे भी मिली थी जो जिसमें कि सिर्फ दो ही थे। बात करते हैं सबसे पहले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये न तो लीनियर है ना तो क्यूबिक है, है क्वाड्रेटिक, तो इसके स्वाभाविक बात है कि इसके कितने जीरोज होंगे, वो होंगे दो। अब निकालना कैसे है ये आपको, यही आपकी दिक्कत होती है, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल करना है, क्योंकि हमको जीरो निकालना है। तो चलिए करते हैं भाई, तो यहां पर हम इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब हमको जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को इक्वल की इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। चलिए भाई लेकर चलते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, t की वैल्यू हमको निकालनी है, t के वैल्यू ही वो क्या होगी, जीरोस होगी, तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा 15 आपका रूट में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 15। आप लोगों ने यहाँ तक करा होगा, अगर जिसने भी करा हुआ है उसके बाद यहीं से आप समझ नहीं पाते हैं कि आगे का करा जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी बताया गया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इसकी इसके जीरो कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, यहीं पर आपको देखना है। क्या देखना है कि जब भी आप स्क्वायर से अगर इस तरफ लेकर जा रहे हैं रूट को, तो वो क्या आएगा, प्लस और माइनस में आते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहां से एक इसकी वैल्यू आएगी टी बराबर प्लस का रूट 15, अब ये प्लस में है तो चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, और दूसरा आपका आएगा टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ये होगा। अब ये ऐसे कैसे होगा इसको भी हम समझ लेते हैं भाई। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए माइनस रूट 15 का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी में, यानी कि इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तब भी क्या आएगा आपका 15 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर हम 15 का भी मल्टीप्लाई करते हैं रूट 15 का भी, तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 15, तो ये तो वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जीरोज इसी के होंगे, आई बात समझ में। अब तो जीरोज आपके निकल गए, अब हमको वेरीफाई करना है किसका, क्या करना है, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन ए, ओके। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको हम करने से पहले, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है इसको हम चेंज करेंगे पहले उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने इस रिलेशन को पढ़ा हुआ था, तो वो कौन सा होता है, पहले यहां पर हम लिखते हैं, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और अब देखिए यहां पर टी स्क्वायर माइनस 15 है, और ये देखिए जो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था जिसमें ऐसे ही था, तो क्या करेंगे इसको भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, यहां पर टी स्क्वायर हो गया,
और दूसरे पर क्या है वी एक्स है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी कोफिशियंट हो उसके साथ में टी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए बीच में कोई टी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं ना, तो क्या करेंगे जीरो टी कर देंगे, बात वही हुई, कुछ नहीं है तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, आई बात समझ में। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका माइनस 15 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम माइनस को ब्रेकेट में कर लेते हैं भाई, माइनस 15, आई बात समझ में। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन बनता होगा कि सर क्या इसको बनना इसे करना जरूरी है, तो भाई साहब ये प्रचंड जरूरी है, आप जो भी समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा आपको नहीं करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके सवाल गलत हो जाएगी, ये वाली बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से इसको वेरीफाई करना है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन, ये रिलेशन है, तो अल्फा की जगह हम, अब देखो अल्फा और बीटा की जगह इन दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा को हम मान लेते हैं प्लस वाला का रूट 15, ठीक है ये हो गया, और प्लस बीच में लगाते हैं और बीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं माइनस 15 और सॉरी रूट में 15, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी देखते हैं माइनस है तो माइनस लगाते हैं, वी की जगह क्या है यहां पर देखेंगे तो जीरो आ रहा है, तो जीरो हम लगाते हैं और बटे में आपका आ जाएगा, ए की जगह क्या है वन है, वन लगाते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर रूट 15 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पर हो जाएगा रूट 15, ठीक। और यहां पर देखिए अब माइनस वाइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीरो आ जाता है तो, और जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वहां पर जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो गया, और 15 में से रूट 15 से में रूट 15 घटाएंगे तो क्या आएगा जीरो आ गया, और यहाँ पर भी जीरो है तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अभी हम देखते हैं इस वालों को क्या ये सही है, तो अल्फा की जगह हम रखते हैं क्या रूट 15 और मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट 15, यही तो होगा भाई अल्फा बीटा की वैल्यू यही है, ठीक है। अब सी की जगह हम देखते हैं क्या है, सी की जगह आपका है माइनस 15, ये ध्यान देना क्या है माइनस 15 और बट्टे में आपका हो जाएगा वन, ठीक है वन, इसलिए कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका कोफिशियंट वन ही होगा ना, तो ये हो गया वन। अभी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर रूट 15 है यहाँ पर रूट 15 है, तो जब भी दो रूट वाले का संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना रूट के वही संख्या लिख उठती है, तो जैसे यहाँ 15 है रूट 15 यहाँ पर रूट 15 तो वो क्या हो जाएगा रूट 15 लिख उठेगा, और यहाँ पर एक का अगर हटा दें हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा रूट 15 और ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन वेरीफाई, आई बात समझ में क्या हो गया वेरीफाइड, ओके तो ये होगा आपका क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था, बस कंफ्यूजन अगर आपको हुआ होगा तो यहीं पर अगर यहाँ अगर कोई कर लिया बच्चा तो वो सॉल्व कर लेगा वहां तक भी, बात समझ में आई। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप लोग करिएगा, थोड़ा समय बता दे रहा हूँ क्या है उसमें, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 3x² - x - 4, ये है देखिए 3x² - x - 4, तो भी इस देखिए सबसे इसमें कठिन क्या है, कठिन मतलब नहीं है, अगर तुमको कठिन लगता है हार्ड लगता है तो वो क्या होगा इसके जीरोज निकालना, तो जीरोज अगर आप निकाल लेते तो रिलेशन आप वेरीफाई कर ही लेंगे, तो इसके जीरोज कैसे निकाले जाएंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा भाई, इन दोनों का किनारे किनारे का गुणा करेंगे, 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं चाहे अपने माइंड में रख लो इसको, ये रफली है ठीक है। तो क्या करना है भाई, अब ये जो बीच वाली संख्या है बीच में क्या है वन है ठीक है, तो और यहाँ पर ये साइन भी देखना है आपको, यानी कि अब इस साइन से ये पता चल रहा है कि हमको जो दो फैक्टर तोड़ने हैं उसको घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि उनको घटाना पड़ेगा, तो ये जो आपका एक दिख रहा है उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि घटाने पर वन आना चाहिए भाई, वन आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वन है, कुछ नहीं है तो वन है, तो घटाने पर वन आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 12, तो ऐसी कौन सी संख्या है आप सोचिएगा, अगर नहीं सोच पाते तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, वो होगा 4 और 3, क्यों 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा जो कि यहाँ पर है ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 12, यानी कि जो 4 और 3 है ये यहाँ पर फैक्टर इसके होंगे, बात समझ में आ गई,
तो इसको आप करिएगा, ठीक है। ये तो इसके बाद तो आप आराम से कर भी लेंगे और वेरीफाई भी कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 2.2 के, एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरे में भी आपकी 6 सवाल हैं, अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ कोई भी अगर आपको डाउट होता है इसे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई भी मैं करूंगा, अगर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बताने की ज़रूरत है उसमें तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अभी हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।